मैं रांची के मोराबादी मैदान में खड़ा हूँ। आज मेरे बाइक ड्राइविंग स्किल की टेस्ट है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ यहाँ से, जो बहुत ज़रूरी मेरे को नज़र आ रही है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि उन्होंने अगर एक टेस्ट दे दिया तो दूसरा टेस्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता दूँ, ऐसा नहीं, आपको दोनों टेस्ट के लिए अपियर करना होगा। अगर आपने दोनों टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने LMV के लिए अप्लाई किया हुआ है और मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको दोनों टेस्ट के लिए अपियर करना होगा। उसके बाद मेरे को अभी तो पता ही नहीं है, मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे को ये भी पता नहीं है कि पेपर्स मेरे पास पूरे हैं कि नहीं है। तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को पेपर्स कौन कौन से चाहिए, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये मैंने पेपर का वेरिफिकेशन करा लिया है और ये सारी चीज़ें जो है मेरे को आज जमा करनी है। इसकी मैं दो सेट तैयार करूँगा, एक आज के लिए एक कल के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कल एक ऑनवेलोप होगा इसमें और कल के टेस्ट डेट का एक जो शीट है वो इसके अंदर में अटैच होगा। बाकी ये सारी चीज़ें आज जमा हो जाएंगी। जैसे मैं बाइक टेस्टिंग के लिए खड़ा हूँगा, वो पेपर्स मेरे से ले लेंगे, ऑनवेलोप नहीं लेंगे। कल मैं जब आऊँगा टेस्ट के लिए, तो वो मैं ऑनवेलोप के साथ मैं और ये सारी चीज़ें और एक जो टेस्ट डेट है वो मैं जमा कर दूँगा। तो इसलिए मैं ऑनवेलोप यहाँ से फाड़ ले रहा हूँ, क्योंकि आज ये ऑनवेलोप मेरे को जमा नहीं करना है। कल यही सारी चीज़ें आज तो मैं जमा कर ही दूँगा और इसकी एक कॉपी कल फिर जमा होगी। तो वो पेपर्स आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, वो मैं दिखा दूँगा कि वो सारे पेपर्स जो हैं वो कौन से पेपर्स हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो उस पेपर्स के अंदर में एक बहुत ख़ास चीज़ थी, वो एक स्लिप थी। वो जो स्लिप है, वो जो आपने 52 रुपीज़ की स्लिप कटाई थी RTO ऑफिस में, तो मैं वो उसके अंदर में तीन भाग उसका है, वो तीन भाग कुछ इस तरह का है। तो इसे आपको फाड़ लेना है, एक जिस दिन बाइक वाले दिन आप एक जमा करोगे, कार वाले दिन एक जमा करोगे, और एक जो है वो आप खुद के लिए रख लोगे, तो एज अ रिसीट। तो ये जो है मैंने पेपर तैयार कर लिया है अगले दिन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, पहली वो स्लिप मैंने काट के डाल दी उसके अंदर में, उसके बाद लर्नर्स लाइसेंस उसके बाद है, और उसके पहले जो पेज में था वो टेस्ट डेट था, और ये लर्नर्स लाइसेंस है, और ये 1000 रुपये की जो रसीद कटाई थी हमने वो है। और ये फॉर्म देखा आपने, ये है CMV Form 1, और ये है Form 2। तो Form 2 के अंदर में 5 पेजेस हैं, और मेरे को पता नहीं कि आपको शायद ये सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर में, लेकिन मैंने ऑन अ सेफ साइड निकलवा के रख लिया है। और ये तीन चार, और ये लगता है कि एक पेज और है इसके साथ में, ये 5th पेज, और साथ में मैंने उसके ऑनवेलोप जो है मैंने उसको अटैच कर दिया है, लगता है ये 5th पेज है, और फिर मैंने उसके साथ में ऑनवेलोप अटैच कर दिया है। आपने सुना, उस पुलिस वाले ने मेरे को रिकॉर्डिंग करने से रोक दी, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बचा करके रिकॉर्डिंग की है। ये आपको बाइक वाले टेस्टिंग के लिए आपको 8 बनाना होता है इसके अंदर में, तो ये एक रिकॉर्डिंग मैंने कर। अगर आपको कार की ड्राइविंग टेस्ट देनी है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखना है कि आप एक बार जा कर के वहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, वरना वो एक बार में क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, पॉसिबली नहीं क्लियर होगा, हो सकता है क्लियर हो भी जाए। क्योंकि नॉर्मली आप शीशे को देख करके ड्राइविंग चलाने की आदत नॉर्मली लोगों को नहीं होती है, तो शीशे को देख करके बैक करना और शीशे को इस्तेमाल कर करके आपको सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको वो फेल करार दे देंगे, और उसके बाद फिर आपको एक 300 रुपये की रसीद कटानी होगी, और फिर से डेट लेना होगा, फिर से रीअपियर करना होगा उसके लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप शीशे को देख कर करके बैक करना सीख लें, और उसके पहले जाकर के एक बार आप सुबह में जाकर के वहाँ पे
ट्रायल दे दे, वरना एक बार में इसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। दिखने में खासा आसान लगता है लेकिन ये एक मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले आ चुका हूँ यहाँ पे ताकि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं अपियर करूँगा टेस्ट के लिए। क्योंकि नॉर्मली मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ मेरे को शीशा देख कर करके बैक करने की आदत नहीं है। जैसे नॉर्मली लोग सीट के पीछे से देख करके वो बैक करते हैं, लेकिन वो राइट ड्राइविंग नहीं है। तो हम ये मंजिल पे आ गए हैं जहाँ पर हमारी ड्राइविंग टेस्ट होगी। तो अभी हालांकि वीडियो जो मैंने उतारी है तो पता नहीं ये कैमरा उल्टा हो गया जिसकी वजह से ये पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन हम मंजिल पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद थोड़ी मैं टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपेयर करूँगा।